अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज से सऊदी अरबिया को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। आज से तमाम तर फ्लाइट जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुकम्मल तौर पर सस्पेंड हो चुके हैं। कुछ एक्सेप्शनल फ्लाइट जो है वो चलेंगी, लेकिन आम तौर पर तमाम तर फ्लाइट जो है वो सस्पेंड हो चुकी है। तो यहाँ पे बात करने वाले कि जो भाई रह गए, मतलब जो छुट्टी पे गए थे, जिनके पास वैलिड इकामात है, वो जो अभी रह गए हैं पाकिस्तान या किस जो पाकिस्तान में रह गए और नहीं जा पाए, उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों सऊदी अरबिया गवर्नमेंट के मुताबिक जो बंदे नहीं आ सके इस डेडलाइन के दौरान, उनको ऑफिशियल छुट्टी जो है वो दे दी गई है। मतलब अगर आप इस मोहलत के अंदर सऊदी अरबिया नहीं पहुंच पाए, तो जितना भी जितनी देर आप अपने मुल्क में रहेंगे, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑफिशियल हॉलीडे जो है वो तसव्वुर की जाएगी। सो यहाँ पे बात करने वाली कि अभी कुछ देर पहले एक जो है मैं वीडियो देख रहा था, लेकिन उस हवाले से कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक न्यूज़ वाले चैनल जो है वो ये चला रहे थे कि पाकिस्तान को 18 मार्च तक स्पेशल फ्लाइट जो है वो दे दी गई है, जो कि सऊदी अरब में मुकीम जो फंसे हुए लोग हैं उनको ले जाए। लेकिन उस हवाले से सऊदी अरब गवर्नमेंट ने कोई भी अपडेट जारी नहीं किया है। उस चैनल पे जो न्यूज़ चल रही थी, उस हवाले से सऊदी अरब के वेबसाइट्स पे कुछ भी नहीं है। उसको एक और चीज़ जो है मैं आपको बता दूँ, जो भी बंदे 13 मार्च के बाद सऊदी अरब आएंगे, उन्हें अपने घर में रहने का कहा गया है कि वो अपने घरों में रहें 14 दिन के लिए वो अपने घरों में ठहरे रहें। उनको 14 दिन की छुट्टी जो है वो मिल जाएगी, उनको कहीं भी नहीं निकलना, अपने घरों में जो है वो रहना है। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये जो पाबंदी लगी है, अभी जो ये पाबंदी लगी, ये सिर्फ 15 दिनों के लिए लगी है। हो सकता है कि इसमें जो है वो इजाफा किया जाए, और हो सकता है कि 15 दिनों के बाद ये पाबंदी जो है मुकम्मल तौर पे हट जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ जाए। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।